आज हम अहमदाबाद के करीब बोपल नाम के गांव के नज़दीक खड़े हुए हैं और यहां पर हम आज जानकारी बांटेंगे गुंदा के बारे में। गुंदा एक बड़े आकार का वृक्ष होता है जो आमतौर पर सघन वनों के आसपास में पाया जाता है। गुंदे के ये जो फल होते हैं वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और इनके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो गोंद के समान दिखाई देता है, शायद इसीलिए इसका नाम गुंदा पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पके हुए गुंदा के फलों का बड़ा अच्छा अचार और मुरब्बा बनता है और इसकी पत्तियों को आदिवासी जो है इसको चबाते हैं, पान की तरह चबाते हैं। इनका मानना है कि इनकी पत्तियों को चबाने से मुँह में जो छाले होते हैं उनमें बड़ी तेज़ी से आराम मिलता है। इसके अलावा इसकी छाल का काढ़ा तैयार करके कुल्ला करने से दांतों के जो रोग होते हैं या मसूड़ों में जो सूजन आ जाती है उसमें भी बड़ी तेज़ी से आराम मिलता है। गुंदा के पके हुए फलों को यदि आप कुचलेंगे, हल्का सा दबाएंगे, तो इसके अंदर से जो चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है इसको हम दाद, खाज और खुजली वाले हिस्सों पर लगाएंगे शरीर पर, तो बड़े तेज़ी से उसमें भी आराम मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके तमाम गुणों की वजह से आदिवासी इन्हें अपने अधिकांश हर्बल फॉर्मुलेशंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बहुमूल्य औषधीय पौधा है। इतनी जानकारी आज आप सबके लिए। धन्यवाद।